बता दें कि 27 वर्षीय सीए के खिलाफ एक युवती ने महिला थाने में शादी के नाम पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई है। युवती ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा है कि वह उक्त सीए के पास काम करती थी और उसने दिसंबर 2018 को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने का सिलसिला शुरू कर दिया। जून 2019 तक वह उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। जब युवती ने शादी करने की बात कही तो उसने इस बात से मना कर दिया। इसके बाद युवती ने महिला थाने में आकर युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। महिला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रीता शर्मा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ बीती 22 नवंबर को धारा 376 के तहत दुष्कर्म का मामला दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। शिकायतकर्ता द्वारा एक महिला थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है और जिसमें कि 376 आईपीसी के तहत उनके विरुद्ध जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। एंटीसिपेटरी कल उनकी रद्द कर दी गई है और पुलिस जो है टीम जो है उनको अरेस्ट करने के लिए ढूंढ रही है। मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल के पहले 24 घंटे के डिजिटल टीवी का भव्य शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के कर कमलों से। लाइव टाइम्स टीवी, हिमाचल का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला डिजिटल टीवी चैनल। www.lifetimes.tv। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।